इस एक्टिविटीज के थ्रू आप अपने बेबीज को कोई भी टास्क दे सकते हैं। जैसे मैंने उसे टास्क दिया, बेटू गो एंड ब्रिंग द की। देखो वो जाने की कोशिश कर रहा है बट वो अभी अच्छे से खड़ा नहीं हो पाता और चल नहीं पाता, वो गिर गया। फिर से मैंने उसे खड़ा किया, देखो वो जा रहा है और वो मुझे की दे रहा है। वाओ, वेल डन, पुट दिस की अगेन। इवन उसको अपने आप से प्यार करना बहुत पसंद है, वो मिरर के पास खड़ा होकर बहुत टाइम स्पेंड करता है, अपने आप को देखता रहता है, किस्तियां करता रहता है। उसका फेवरेट टाइम है मिरर में अपने आप को देखना। बेटा डांस करो, से डांस करना भी बहुत पसंद है। आप देख रहे हो कुछ स्टेप चलने की कोशिश कर रहा है बट अभी वो इतने अच्छे से चल नहीं पाता है, अभी उसे चलने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट वो एक्सपर्ट है क्रेवलिंग में, वो आराम से चलता है ऐसे, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप देख रहे हो जैसे कि वो आराम से प्ले कर रहा है अपनी ट्राईसाइकिल से, बटन दबाता है और गाने सुनता रहता है और मन करता है तो डांस भी कर लेता है। तो कितना क्यूट फेस बना रहा है उसकी म्यूजिक पर। अभी अभी वो अच्छे से बैठना भी सीख गया है। इस तरीके से मैं उसे बीच बीच में क्वेश्चन पूछती रहती हूँ जिससे उसका ब्रेन वर्क कर सके और वो समझ सके कि आयुष कहाँ है, फैन कहाँ है, तीत कहाँ है। इस तरीके से मैं उसे क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ। बेटू बटन दबाओ, वो बताता रहता है और वो एक्टिविटीज में बड़ा मजे से करता रहता है। देखो वो बॉल के साथ खेल रहा है, उसे बॉल के साथ प्ले करना बहुत पसंद है। मे भी सभी बच्चों को बॉल के साथ प्ले करना बहुत पसंद होता है और ये तो उसकी फेवरेट बॉल है। वो इसके साथ बहुत देर खेलता रहता है और अपना बहुत टाइम स्पेंड कर सकता है इस बॉल के साथ, और जब मैं उसके साथ प्ले करने लगती तो उसे और मजा आने लगता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो किस तरीके से इस बॉल के साथ प्ले कर रहा है और मैं उसे बताती रहती हूँ साइड में, बेटू वहां जाओ बोल लेके आओ, बेटू गो गो, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो भी करता है। तो आप उसे समझा सकते हो, बहुत कुछ सिखा सकते हो गेम के थ्रू। आप भी अपने बेबीज को इस तरीके से प्ले कीजिए उनके साथ और वो बहुत अच्छे से प्ले करेंगे और बहुत हैप्पी हैप्पी। देखो आप कितना खुश हो रहा है प्ले करते हुए, क्योंकि अभी हम बाहर तो बच्चों को ले जा नहीं सकते इस कोरोना के टाइम में, तो घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करवाते रहना पड़ता है कि जिससे वो भी बोर ना हो और आराम से प्ले कर सके और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। देखो उसे कितना मजा आ रहा है, कितनी देर से मेरे साथ खेलता जा रहा है, वो भी एंजॉय कर रहा है, मैं भी कर रही हूँ। बच्चों के साथ कभी कभी ऐसा लगता है हम भी बच्चे ही बन गए और बहुत मजा आने लगता है। टाइम तो मैं सब कुछ भूल ही जाती हूँ कि हाँ भाई मेरी लाइफ में कुछ और भी चल रहा है, और मैं इजीली इसके साथ टाइम स्पेंड करती रहती हूँ और बहुत हैप्पी भी फील होता है। एक्टिविटी करवाने के लिए मैंने लिए बास्केट और उसके कुछ टॉयज। ये एक्टिविटी करवाने का फायदा ये है कि वो चीजों को रखना और निकालना सीख रहा है, कैसे फैलाते हैं और उन्हें अपनी जगह पे कंटेनर में कैसे रखते हैं। मैं उसे बताती हूँ, बेटू बास्केट में सामान रखो
और जैसे ही वो सामान रखता मैं बोलती गुड बाय, वेरी गुड। उसे बहुत अच्छा लगता है, आप अपने बीबी से बातें करते रहो, जब वो प्ले कर रहा है तो वो अगेन वो बहुत अच्छे से वो वर्क करेगा, देखो। वो अगेन फैलाता है, अगेन उन सामान को रखता है, इस तरीके से वो अपनी बहुत देर तक खेलता रहता है अकेले बैठे बैठे, और मैं साइड में अपना कोई भी वर्क करती रहती हूँ। अभी तो मैं फ्री थी तो उसके साथ प्ले भी कर रही हूँ, पर जब मैं फ्री नहीं होती हूँ साइड में अपना काम कर रही होती हूँ, वो खेल रहा होता है, सामान निकालता है वापस रखता है, फिर फैला देता है, फिर रखता है, और उसका टाइम इजीली स्पेंड होता रहता है। और उसे बहुत मजा आता है क्योंकि उसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो एक्टिविटीज से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए मुझे उसे डिफरेंट डिफरेंट कुछ ना कुछ करवाते रहना पड़ता है। मैं उसे बोलती रहती हूँ साइड में, वो वन बाय वन रखता रहता है, इससे उसका हैंड मूवमेंट इजीली हो रहा है, साथ के साथ वो लर्न भी कर रहा है कि सामान को अपनी जगह पे रखना होता है। तो इस तरीके से मैं उसे ये एक्टिविटी कराती रहती हूँ और वो मस्ती से करता भी रहता है। आप देख ही रहे हो, देखो उसे कितना मजा आ रहा है करने में। वो उसने फिर से फैला दिए। सेवन मंथ पे बीच इजीली सीढ़ियाँ चढ़ना और उतरना सीख लेते हैं सीच में, वो आसानी से चढ़ने और उतरने लग जाते हैं। बस आपको उनका ध्यान रखना होता है कि वो जब चढ़ रहे हैं वो आपकी नज़रों के सामने ही हो, कहीं वो गिर जाए और उन्हें चोट लग जाए, तो आप उन्हें अपने गाइडेंस में ही उन्हें चढ़ने दें। अभी देखो मेरा बेबी इजीली चढ़ रहा है क्योंकि ऊपर इसके पापा इसे बुला रहे हैं और इसे मस्ती करनी है ऊपर जाके। देखो कितने मजे से चढ़ने में लग रहा है, इसे किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। बट हाँ, मैं नीचे खड़ी हुई हूँ और इसका ध्यान रख रही हूँ कि गिर ना जाए। ये मुझे देख भी रहा है और ऊपर पापा को देख रहा है और फिर चढ़ने की ट्राई कर रहा है। आप देख रहे हैं मेरा बेबी इजीली ड्राइव कर रहा है, इस एज के बच्चे ड्राइव करना सीख जाते हैं। ये परफेक्ट टाइम होता है अपने बेबी को ट्राईसाइकिल इंट्रोड्यूस करवाने का। आप लोगों ने अभी तक नहीं करवाया हो तो अपने बेबीज को ट्राईसाइकिल से इंट्रोड्यूस करवाइए, उन्हें बहुत पसंद आएगा और वो अपना टाइम भी काफ़ी स्पेंड करना पसंद करेंगे इसके साथ। अभी विंटर चल रहा है तो मैं अपने बेबी को मॉर्निंग में छत पे ले जाती हूँ और वहाँ पर उसको एक गाड़ी दे देती हूँ, उसके साथ वो प्ले करता रहता है और उससे सनरेज मिल जाती है, उससे विटामिन डी भी इजीली मिलता रहता है और उसका टाइम भी स्पेंड होता रहता है। देखिए वो किस तरीके से टर्न कर रहा है, बीच बीच में मैं उससे क्वेश्चन पुट अप करती रहती हूँ। बेटू ये क्या, बेटू बटन दबाओ, वो बटन प्ले करता है। बेटू ये, बेटू डांस करो, देखो वो डांस भी कर रहा है। बेटू बटन दबाओ, वो बटन भी दबाता है। वो बहुत अच्छी सी एक्टिविटी को, वॉकिंग एक्टिविटीज भी अदर एक्टिविटीज की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक्टिविटीज हमें जरूर करवानी चाहिए हमारे बेबीज को, क्योंकि इस एज में बच्चा चलना स्टार्ट ही करते हैं और अगर हम उनकी हेल्प करेंगे चलने में तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होगा। देखो मेरा बेबी यहाँ ऑब्जेक्ट के हेल्प से कितना इजीली चल रहा है और वो कितना हैप्पी भी है, उसे कितना मजा आ रहा है देखो चलने में। आप उसका एक्साइटमेंट तो देख ही सकते हो, कितना एक्साइटेड है चलने के लिए। इस तरीके से मैं उसे चलना भी सिखा रही हूँ और वो इस वक्त एंजॉय भी कर रहा है, तो मेरा दोनों ही काम हो रहा है कि मैं उसको चलने की भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ प्लस वो हैप्पी भी है। हमें क्या चाहिए, हमारा बेबी कैसे भी खुश रहे। तो बस इस तरीके से आप उन्हें चलना सिखा सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप उन्हें अपनी फिंगर पकड़ के भी चलना सिखा सकते हो, एक तरफ से आप उसे फिंगर से पकड़ कर आप उन्हें चलाइए। स्टडी टाइम,
बच्चों को स्टडी टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और होपफुली आप सभी लोगों ने अपने बेबीज को बुक इंट्रोड्यूस करवा ही दी होगी। अगर आप लोगों ने अपने बेबी को बुक इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है तो ये परफेक्ट टाइम है, आपको अपने बेबीज को बुक इंट्रोड्यूस करवा देनी चाहिए। मैंने भी अभी कुछ टाइम पहले ही अपने बेबी को बुक इंट्रोड्यूस करवाई थी। देखो अब वो कितने अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और उसे बुक के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद आ रहा है। अभी वो बुक के साथ टाइम स्पेंड करने में लग रहा है, वो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहाँ पे क्या है। इवन वो मुझसे पूछता भी है और मैं भी उसे क्वेश्चन पुट अप कर लेती हूँ कि बेटू ये बताओ, बेटू वेयर इज पिजन, वेयर इज क्रो, वेयर इज एप्पल। आप उसे बीच बीच में क्वेश्चंस भी पूछिए जिससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, इवन वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएगा। वेयर इज पिजन, देखो उसने मुझे बताया पिजन कहाँ है, मैं उसे क्वेश्चन पुट अप करती हूँ, बेटू वेयर इज क्रो, देखो उसने मुझे आंसर दिया कि क्रो कहाँ है। इस तरीके से मैं उसे क्वेश्चंस पूछती रहती हूँ और मुझे बताता रहता है कि कहाँ पे क्रो है, कहाँ पे क्वीन है, कहाँ पे क्या है। आप भी उसे बीच बीच में क्वेश्चंस पूछिए जिससे उस बेबी का ब्रेन भी डेवलप होगा और वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना भी सीख जाएगा। और आप इससे बच्चों को अच्छे से चीज़ें सिखा भी सकती हो, उनके लर्न करने की कैपेसिटी अच्छी होती है और इनसे उनकी लर्निंग एक्टिविटीज भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप उन्हें लर्न करवा सकते हो बुक्स के थ्रू। और वो अभी देखो ये कितनी शैतानी कर रहा है, इसने अपने बुक्स के ऊपर पैर से ओपन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत शैतानी करता है। मैं तो इसे डांटती रहती हूँ बट फिर भी बच्चे तो शैतानी करते ही हैं। अभी ये मुझे देख रहा है और मुझसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि ये क्या है, ये क्या है। मैं इसे बताती जाती हूँ, बेटू ये है, ये है। आप भी अपने बीबी को बताइए उन्हें क्या पसंद है। और इवन आपको पता है मेरा बीबी को एक पेज बहुत ज्यादा पसंद है, अभी वो उस पे जाएगा थोड़ी देर में, मैं आपको बताऊंगी पेज उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो ये वो ही पेज है जिसपे बाइक, कार, साइकिल, एरोप्लेन ये सब है। और ये इस पेज को हमेशा ओपन करता है और इसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करता है। बेटू आपको क्या चाहिए, कार, बाइक, एरोप्लेन, ओ साइकिल, ओ मेरे बेबी को सब चाहिए। मैं इस टाइप से इसे पूछती हूँ और ये सब पे हाथ लगाता जाता है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो मुझे लगता है इसे सब कुछ चाहिए क्योंकि मुझे लगता भी है कि बॉयज को पर्सनली बाइक, कार इन सब का बहुत ज़्यादा शौक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर मुझे बताइए कैसा लगा आपको।